ये इलेक्ट्रोस्टेट्स का एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, लेकिन इसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। तो ये पाया जा रहा है कि इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ये इस पर फोर्स ये इस डायरेक्शन लगाएगा, ये वाला इस पर भी इधर लगाएगा, ये वाला इस पर भी इधर लगाएगा, ये वाला इस पर भी इधर फोर्स लगाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स की वो इतनी ज़्यादा है कि चारों पार्टिकल इसके अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ऐसे। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और एक निगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, तो अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से इसके चारों तरफ, और उस सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इसके इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज क्यू। मतलब अगर ये क्यू चार्ज भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये भी क्यू, ये भी क्यू, सारे क्यू चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो बताइए कि इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड कितनी आ गई। तो हमने क्या किया कि अब चूँकि सारे के सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इस तरीके से एक सर्कल बना दें, ऐसे एक सर्कल बना दें, और कहूँ कि अगर ये पार्टिकल्स ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है ये भी, तो इसकी स्पीड भी ऐसे दिखाओगे आप, इसकी स्पीड भी ऐसे दिखाओगे, इसकी स्पीड भी ऐसे। तो अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए जो इनको रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करे ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके। और रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स किधर होता है? टुवर्ड सेंटर होता है। तो देखिए, तो हम पता करेंगे किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना लग रहा है, उसी को लिख दें एम वी स्क्वायर बाय आर, आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स होना चाहिए वो एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होना चाहिए। तो वो फोर्स मिला कैसे? ये जो क्यू है, ये जो क्यू है इस क्यू को रिपल करेगा इस फोर्स की वजह से, ये क्यू इसको रिपल करेगा सेम फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से, और ये जो प्लस क्यू है इसको रिपल करेगा के क्यू स्क्वायर अपन इस डिस्टेंस के स्क्वायर, ये डिस्टेंस रूट टू ए बनेगा तो ये क्या बन जाएगा टू ए स्क्वायर, और ये निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा किस फोर्स से, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई इस दूरी का स्क्वायर, मतलब ए अपन रूट टू का होल स्क्वायर। तो इस चार्ज पार्टिकल पे इसके वजह से फोर्स ऐसे लगेगा, इसके वजह से ऐसे लगेगा, इसकी वजह से ऐसे लगेगा, और इन तीनों फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, इन चारों फोर्स के मिला के जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो किधर होना चाहिए? टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, ताकि वो सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाए इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए। तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स कितना आएगा? तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, और इन दोनों का कंपोनेंट जो इधर आएगा, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है ना, दिस इज 45 डिग्री। तो मैंने क्या किया, दिस फोर्स तो के क्यू कैपिटल क्यू अपान ए अपान रूट टू के स्क्वायर करो तो नीचे ए स्क्वायर बनेगा, और रूट टू का स्क्वायर टू तो ऊपर बन जाएगा। तो ये फोर्स बन गया इतना, माइनस ये वाला फोर्स लिख दिया यहाँ पे, फिर इसका इधर कंपोनेंट करोगे तो के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉस 45, और इसका भी कंपोनेंट इधर वही आएगा, वही आएगा। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इतना बन गया, और इसी को मैंने लिख दिया क्या, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर अपान आर ये बनेगा ना, क्योंकि सर्कल की रेडियस क्या है, ये है, और इस आर के बोलो क्या होगी, तो ये दूरी ये है और ये ए, तो ये क्या बनेगा, ए रूट टू, तो ये क्या बनेगा, ए अपान रूट टू, तो ए अपान रूट टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब देखिए ये सारे वैल्यूज आपको नोन है, आपको भी निकालना है तो कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू। तो रिपीट कर दूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस चार्ज पार्टिकल पे नेट कितना फोर्स काम कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, उसी को एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा।